सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल इनोवेटिव कलाकार को और बेल आइकन दबाइए टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सुंदरियाल और आप देख रहे हो इनोवेटिव कलाकार। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं एंड्रॉइड फोन में कुछ चीजें ऐसी जो आपको लाइफ में कभी नहीं करनी चाहिए। आपने अपने फोन में कई तरह की प्रॉब्लम फेस करी होंगी, जैसे कि फोन का हैंग होना, उसके परफॉर्मेंस में कमी आना या इस तरह की कई चीजें। तो इसका रीजन ये है कि जाने अनजाने में कई लोग अपने फोन में काफी गलतियां कर बैठते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आपके फोन को नुकसान पहुंचता है। सो डोंट वरी गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इन गलतियों के बारे में और इससे कैसे बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली मिस्टेक है, नेवर इंस्टॉल फेक ऐप, ओनली इंस्टॉल जेन्युइन ऐप। यानी कि फेक एप्लीकेशन कभी इंस्टॉल मत करना, ओनली जेन्युइन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। आपने देखा होगा प्ले स्टोर में कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो कि ये दावा करती हैं कि अगर आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो आपके फ़ोन का प्रोसेसर जो है वो फास्ट हो जाएगा, उसकी रैम बढ़ जाएगी। बट फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये फेक एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आपके फ़ोन को डैमेज पहुंचा सकती है। तो इसलिए कभी फेक एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करना, ओनली जेन्युइन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। सेकंड है, डोंट इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, ये आपके फ़ोन में पहले से ही इंस्टॉल होता है, ये पहले से ही इनबिल्ड होता है आपके फ़ोन पे, इसलिए आपको कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ये एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके बैटरी को और आपके प्रोसेसर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। सो प्लीज़, आप कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कभी इंस्टॉल मत करना। तो नंबर 3 में आता है, नेवर इग्नोर ऐप परमिशन। यानी कि आप कभी कोई एप्लीकेशन की परमिशन इग्नोर मत करना। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसमें तरह तरह की परमिशंस आती हैं, जैसे कि फेसबुक, अगर आप फेसबुक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसमें कभी कॉन्टैक्ट्स आता है, गैलरी आता है, ये परमिशंस आती हैं। इसके अलावा और कई परमिशंस आती हैं जो कि आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। ऐसे ही कई एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको फेक परमिशंस देती हैं, जैसे कि आपने कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, अब कैमरा एप्लीकेशन आपसे एक परमिशन मांगेगा, वो बोलेगा भैया कॉन्टैक्ट्स जो है आप उसको अलाउ कर दो। बट इसमें कॉन्टैक्ट्स का क्या सीन है भाई, वो कैमरा है, आपकी फोटो खींचेगा, बट कॉन्टैक्ट्स क्यों नहीं? तो इस तरह की परमिशन से आप बचो। आप देखो कि वो एप्लीकेशन आपसे क्या परमिशन मांगती है, देन उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। तो फ्रेंड्स, आपको इससे भी बचना चाहिए। तो चौथे नंबर में आती है, नेवर यूज बैटरी सेवर एप्लीकेशन। कभी भी आप बैटरी सेवर एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें। अगर आपको प्ले स्टोर में या कहीं भी आपको ऐसी एप्लीकेशन दिखती है तो इसको कभी इंस्टॉल ना करना। अगर आप ये इंस्टॉल करते हो तो आपके फोन की परफॉर्मेंस को ये काफी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको अपने फोन की बैटरी बचानी है तो आप एक टाइम पे एक ही एप्लीकेशन यूज करिए। ये नहीं कि आप एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसके पीछे से 10 एप्लीकेशन चल रही है। आप उन सभी एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं और साथ में आप वाईफाई हो गया अगर आप उसको यूज नहीं कर रही, जीपीएस हो गया और कई तरह के फीचर्स हो गए, तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी बैटरी बचा सकते हैं। तो फिफ्थ नंबर है, नेवर इंस्टॉल ऐप फ्रॉम अननोन सोर्स। यानी किसी भी अननोन सोर्स से आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करना। अगर आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो आप सीधे जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। होता क्या है कि अगर आप किसी लिंक के थ्रू आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसके जरिए आपके फोन में वायरस आ सकता है और आपके डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप किसी अननोन सोर्स से एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करना, आप सीधे प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो छठे नंबर पर आता है, नेवर किल एप्लीकेशन फ्रॉम रीसेंट एप्लीकेशन मेन्यू। एक्चुअली काफी लोग रिसेंट मेनू में जाते हैं और वहां जाकर एप्लीकेशंस को बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं ये एप्लीकेशंस बंद कर दूंगा तो ये सुपर फास्ट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपका फोन अपने आप ही अपडेट होता रहता है। मान लो आपने कोई एप्लीकेशन किल कर दी, अब दोबारा आप उस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो तो वो एप्लीकेशन जीरो से स्टार्ट लेगा। इससे आपके फोन पे काफी लोड पड़ेगा और आपके प्रोसेसर को काफी हानि पहुंचाएगा। तो दोस्तों, आप कभी रिसेंट एप्लीकेशन को किल ना करें। सेवंथ है, बीवेयर फ्रॉम फेक मैसेजेस।
मोस्टली काफी सोशल साइट्स पर जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इनमें मैसेजेस आते हैं। इन मैसेजेस में ये बताया जाता है कि अगर आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, अगर आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो आपको इतना टॉक टाइम मिलेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और भी कई तरह के मैसेजेस आते हैं, बट दोस्तों इन फेक मैसेजेस से बचिए, ये किसी काम के नहीं है। 8th नंबर आता है क्लियरिंग कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी एक टेम्पररी मेमोरी होती है, ये आपके डाटा को टेम्पररी स्टोर करती है। आपने कोई गूगल मैप एप्लीकेशन यूज किया और उसमें लोकेशन सेट कर दी, फिर उसको बंद कर दिया, अब आप उसको दोबारा खोलते हो तो आपको वो वहीं से स्टार्ट मिलेगी, वो डाटा फिर से डाउनलोड नहीं होगा, वो डाटा आपको दोबारा काम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके फोन में जो टेम्पररी डाटा स्टोर होता है उसको क्लियर करने के लिए आपको किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधे आप मैनुअल में जाके इसको क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 9th नंबर में है फोन रूटिंग। मेरी ये राय है, अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी ना हो तो आप इसको यूज ना करें। अगर आप फोन रूटिंग यूज करते हैं तो आपकी फोन की वारंटी लूज हो सकती है और आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप फोन रूटिंग के बारे में जानते हैं, एकदम ढंग से जानते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो ही आप फोन रूटिंग का इस्तेमाल कीजिए, वरना मेरी राय है आप बिल्कुल मत कीजिए। तो 10th नंबर है नॉट रीस्टार्टिंग योर फोन। अगर आप अपने फोन को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो वीक में एक बार उसको रीस्टार्ट जरूर कर लीजिए। हम सब अपने फोन को लंबे समय तक यूज करते हैं, एक महीना हो जाता है, दो महीना हो जाता है, लेकिन हम उसको रीस्टार्ट नहीं करते। इससे क्या होता है, हमारा फोन हैंग होने लगता है। तो इसलिए आपको वीक में या मंथ में अपने फोन को रीस्टार्ट जरूर कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी वो गलतियां जिन्हें हम अक्सर करते रहते हैं, और इन गलतियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो इन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इन स्टेप्स के अलावा और कोई स्टेप्स याद आता है तो प्लीज कमेंट करिए, और वीडियो देखने के लिए साथ में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर। मैं हूं अजय सुंदरियाल और आप देख रहे हैं इनोवेटिव कलाकार।